दोस्तों, अगर आप भी हैं विराट कोहली के बल्लेबाजी से खुश तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेमानी से जीता मैच ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने विराट कोहली और टीम इंडिया की जीत पर मनचाहा जुबान खोली है उसे सुनकर हर भारतीय का खून खोल उठेगा। आखिरकार टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत को उन्होंने बेईमानी वाली जीत क्यों कही जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में आप किसको बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को सांस रोक देने वाले मुकाबले में हराकर पिछले टी20 वर्ल्ड कप का बदला लिया। उन्होंने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में हमें हराकर ये सोच लिया था कि वे फिर से वर्ल्ड कप में हमें हरा देंगे, लेकिन इस बार किंग कोहली ने पाकिस्तान को बताया कि आखिरकार पूरे विश्व में उन्हें खतरनाक बल्लेबाज क्यों माना जाता है। आखिरी के 12 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी। जीत बहुत दूर थी क्योंकि पाकिस्तान के पास बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन किंग कोहली ने खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हारिस राव को आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए पूरा मुकाबला पलट दिया। फिर क्या था, आखिरी के ओवर में भी उन्होंने एक छक्का लगाया और जीत भी दिलाया, लेकिन इस ओवर में मोहम्मद नवाज ने एक नो बॉल डाल दी। पूरी दुनिया को यह नो बॉल ही दिखाई दी, लेकिन एक भी पाकिस्तान उस नो बॉल को मानने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ी अंपायर से लड़ने लगे। उनका मानना था कि वह नो बॉल नहीं था। हालांकि अंपायर ने अपने डिसीजन पर डटे रहे और टीम इंडिया जीत गई। ट्विटर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान देते हुए जिस तरीके से टीम इंडिया की जीत को बेईमानी वाली जीत करार दिया है उसे सुनकर हर भारतीय फैंस का खून खोल उठेगा। दरअसल इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि मुझे यह जीत बेईमानी वाली जीत लगती है। भले ही कोहली ने अंतिम तक बल्लेबाजी की, लेकिन हम इस मुकाबले में काफ़ी आगे थे और मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में छक्का लगाना लाजमी है, लेकिन उन्होंने पूरे ओवर में भारतीय बल्लेबाज को खुलकर नहीं खेलने दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि अंपायर ने क्या सोचकर उसे नो बॉल दे दिया। ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। उनका एक गलत फैसले ने मुकाबला हरवा दिया। भारतीय इस मुकाबले को जीतकर बेहद खुश होंगे, लेकिन ये जीत उन्हें तोहफे में मिली है क्योंकि वे हमसे लड़कर नहीं बेईमानी से जीते हैं। दोस्तों, आपको इमरान खान के इस बयान में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी हैं टीम इंडिया का फैन तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।